आज की आपकी फरमाइश है एक बहुत ही लाजवाब गाने की, जो कि मेरी लाइफ का भी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बहुत ही खूबसूरत गाना है और जिसको गाया है बहुत बहुत और बहुत ही प्यारी माई फेवरेट संगीत की देवी लता जी ने, और उनका साथ दिया है शब्बीर कुमार साहब ने। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ सीख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गीत को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के एफ नोट से। तो शुरुआत जो होती है वो होती है लता जी के अलाप से। पहले हम उस अलाप को सीखेंगे, उसके बाद गाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको पहले प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से अलाप प्ले होता है, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अलाप है, ठीक है, इस तरीके से अलाप प्ले होता है। तो बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए इसको, दो भागों में देख लीजिए। पहला है, ठीक इस तरीके से, कहां से स्टार्ट करेंगे, एफ नोट से, मिडिल ऑक्टेव के एफ नोट से स्टार्ट करेंगे। तो एफ, डी शार्प, सी शार्प और जी शार्प, तो कैसे होगा, ठीक जी शार्प जब हम प्ले करेंगे तो थोड़ा देर तक, ठीक। अब दूसरा भाग क्या है, क्या किया, ए शार्प, एफ शार्प, सी शार्प, एफ, कैसे। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल था। पहले भाग में हमने क्या किया, ठीक, और दूसरे भाग में, तो कंटिन्यू देखिए इसको, ठीक। और इस अलाप को हमको दो बार प्ले करना है, ठीक। अब बढ़ते हैं गाने की तरफ। जैसे ही अलाप खत्म होता है, इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है लाइन, जीत जाएंगे हम। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ आपको बताता चलूंगा, जीत जाएंगे हम। तो गाने की जो ये पहली लाइन है, इसको हम शुरू करेंगे ए शार्प से, मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प से, ठीक है, देखिए, स्लो देखिए, जी त जा ही गे हम, सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक है। जीत के लिए ए शार्प और सी, और जाएंगे के लिए सी शार्प, ए शार्प और ए, और हम के लिए सी, ठीक। अब इसके बाद जीत जाएंगे हम, ये वही लाइन नहीं है, ये अलग है। जो हमने पहले सीखा जीत जाएंगे हम, वो अलग था। अब जो हम प्ले कर रहे हैं जीत जाएंगे हम, ये अलग है, दोनों के नोटेशन अलग हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ जीत जाएंगे हम, अलग नोटेशन के साथ, स्लो देखिए, स्टार्ट होगी वहीं से, ए शार्प से ही, ठीक है, स्टार्ट वहीं से होगी, स्लो देखिए इसको, जी त, इसके बाद है जाएंगे हम। तो जाएंगे जो हमें, पहले मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा दूं, जाएंगे हम। तो ये तरीका आपको अगर थोड़ा दिक्कत वाला लगता है तो आप इसको इजीली भी प्ले कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ठीक है, ये है सिंपल तरीका। इसके लिए क्या करना है आपको, जाएंगे सी शार्प, एफ, डी शार्प, सी, सी शार्प, जाएंगे हम, जा ए गे ए और हम, हम कैसे करेंगे सिंपल प्ले, जाएंगे हम, ठीक, इस तरीके से सिंपल भी प्ले कर सकते हैं। तो पूरी लाइन कैसे हो गई, जीत जाएंगे हम, ठीक। तो एक बार मैं कंटिन्यू आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूं, जीत जाएंगे हम और फिर से जीत जाएंगे हम, ठीक है, देख लीजिए, इस तरीके से आपको प्ले करना है। और इसके बाद है, तू अगर संग है, ठीक, कैसे प्ले करेंगे इसको,
तो ये लाइन जो प्ले होगी सी नोट से, हायर ऑक्टेव के सी नोट से प्ले होगी, ठीक है, तू अगर संग है। स्लो देखिए, तू आ ग आ र, अगर के लिए आ ग र, कैसे इस तरीके से प्ले करना है। तू अब अगर, ठीक, अब इसके बाद संग अब है, और इसके बाद आपको मात्राएं लगानी है, नीचे की तरफ चलना है, ठीक है, सारे नीचे की तरफ नोट्स जाएंगे हे को प्ले करते वक्त, और घूम के एफ पर आ जाना है, कैसे, क्या किया, सी ए एफ डी शार्प सी शार्प एफ, एफ पे आके रुक जाना है। एक बार सिंगल फिंगर से पूरी लाइन देखिए, तू अगर संग है, ठीक, और जैसी लाइन खत्म होगी इसके बाद तुरंत चालू होगी जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ठीक, इसके तुरंत बाद, ठीक, तो ये जो लाइन प्ले होगी जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये कहां से शुरू होगी, यहां से सी शार्प, कौन सा, हायर ऑक्टेव का सी शार्प, यहां से, ठीक है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। स्लो देखिए, जिन द गी, जिन द गी, ठीक, इसके बाद हर कदम, ये भी सेम ऐसे ही प्ले करेंगे जैसे जिंदगी प्ले किया वैसे ही हर कदम प्ले होगा, हर क दम, समझ रहे हैं आप, जैसे हमने जिंदगी प्ले किया उसी तरीके से हर कदम, ठीक, अब इसके बाद एक नई, एक नई भी सेम ऐसे ही, एक न ई, ठीक, इसके बाद जंग है, जंग है यहां से सी शार्प एफ शार्प और एफ, क्या किया, जंग ग है, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जिंदगी और फिर रिपीट कर देंगे हर कदम हो जाएगा, और फिर रिपीट कर देंगे एक नहीं हो जाएगा, और इसके बाद जंग है, ठीक, जंग ग है, ठीक है, सिंगल फिंगर से देखिए एक बार, ठीक, और इस लाइन को आपको दो बार प्ले करना है। दोस्तों इस वक्त जो मैं टोन यूज कर रहा हूँ वो एकॉर्डन है, अगर आप इस गीत को पियानो वाली जो टोन होती है उस पर सेट करके प्ले करेंगे तो भी बहुत अच्छा सुनाई देगा, बहुत अच्छा साउंड आएगा। एक बार मैं आपके लिए प्ले करके दिखा देता हूँ जो पियानो वाला टोन है उस पर किस तरह का साउंड करेगा, ठीक है, ठीक है, अगर ये वाला टोन आपको अच्छा लगा हो पियानो वाला तो इसमें भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब चलिए अंतर की तरफ चलते हैं, अंतर की जो लाइन है वो है पहली लाइन, तूने ही सजाए हैं मेरे होंठों पे ये गीत, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस लाइन को हम शुरू करेंगे सी शार्प, हायर ऑक्टेव के सी शार्प से, ठीक है, तूने ही सजाए हैं मेरे होंठों पे ये गीत, ठीक है, तो इस लाइन को स्लो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए तूने ही, बहुत ही सिंपल लाइन है, देखने में आपको कठिन लगी होगी मगर ये बहुत ही सिंपल है ये लाइन प्ले करना, देखिए किस तरीके से, सबसे पहले हम देखेंगे तूने ही, बस इतना हम सीख लेंगे तो पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। तूने के लिए चार नोट हैं, सी शार्प सी सी शार्प सी, ठीक है, एक बार सी शार्प फिर सी फिर से सी शार्प फिर सी, ये हो जाएगा तूने, मगर कैसे प्ले करना है थोड़ा जल्दी, ठीक, और इसके बाद हमें प्ले करना है ही, ही ए शार्प, तूने और ही ए शार्प, तो कैसे होगा तूने ही, बहुत सिंपल है, ये हो गया तूने ही। अब इसके बाद है सजाए हैं, सजाए हैं भी बिल्कुल इसी तर्ज पे प्ले करना आपको, नोट्स जो है वो चेंज होंगे मगर जो तरीका होगा वो सेम होगा, देखिए सजाए हैं बिल्कुल वैसे ही प्ले किया है, क्या किया हमने, ए शार्प सी ए शार्प
सी ए शार्प, वही तरीका। और हैं के लिए जी शार्प, तो सजाएं और हैं, ठीक। पहले क्या था, तूने ही, और उसके बाद सजाएं हैं, ठीक। अब इसके बाद मेरे, ये भी वैसे ही है, ठीक। ए शार्प जी शार्प, ए शार्प जी शार्प, मेरे, ठीक। अब इसके बाद है होठों, उसको कैसे प्ले करेंगे, हो ठो हो, ठीक है। दो बार एफ शार्प और ए शार्प, ठीक है। पहले मेरे और फिर होठों, ठीक। अब इसके बाद पे, पे के लिए दो नोट हैं, जी शार्प एफ शार्प पे, और उसके बाद ये गीत, ठीक है। ये गीत, ये ए और गीत, फिर से देखिए, मेरे होंठों पे गीत, इतना पार्ट फिर से देखते हैं, मेरे हो गया, इसके बाद होंठों, ठीक। अब इसके बाद पे, अब इसके बाद ये, अब इसके बाद गीत, तो मैं सिंगल फिंगर से कंटिन्यू बता रहा हूं, मेरे होंठों पे ये गीत, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखने की जरूरत है बस, ठीक। तो एक बार पूरी लाइन को मैं सिंगल फिंगर से बता रहा हूं, तूने ही सजाए हैं मेरे होंठों पे ये गीत, ठीक है। अब इसके बाद जो लाइन है वो है, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत। तो ये लाइन भी लगभग सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले हमने सीखी, तूने ही सजाए हैं मेरे होंठों पे ये गीत। थोड़ा बहुत अंतर है, देख लीजिए, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो लगभग मेरे ख्याल से कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर होगा, देखिए। सबसे पहले तेरी प्रीत, समझे आप क्या करना है, तेरी बिल्कुल वैसी प्ले करेंगे जैसे मैंने सिखाया था पिछली लाइन में। इसके बाद प्रीत, प्रीत को कैसे प्ले करना है, प्रीत, प्रीत में दो बार ए शार्प आ गया, ठीक है। किस तरीके से, झटके से, ता का जो लास्ट वाला हिस्सा, मतलब प्रीत में जो दो ए शार्प लगेंगे उसमें जो दूसरा वाला लास्ट में जो ए शार्प लगेगा उसको थोड़ा झटके से मारना, पहले प्रीत, कैसे, ठीक। झटके से क्यों मारने के लिए बोल रहा हूं मैं, इसका रीजन क्या है, जब आप अगला जो आप पिक करोगे तो उसमें ये काम आएगा झटका, कैसे, प्रीत से हम प्ले करेंगे, तेरी प्रीत से। अब यहां तक समझिए, ये देखिए तेरी, अब मैंने प्रीत से प्ले करूंगा, खाली प्रीत से, ठीक। झटके के साथ मुझे प्रीत का ता दबाना है और फिर से दबाना है, फिर से देखिए, ठीक, इस तरीके से। तो इतना क्लियर हो गया, तेरी प्रीत से, ठीक। अब इसके बाद है मेरे, ठीक। अब इसके बाद जीवन, जीवन वैसे ही प्ले करना है, ठीक। इसके बाद मैं, एफ शार्प। इसके बाद बिखरा, बिखरा के लिए तीन नोट, एफ शार्प ए शार्प जी शार्प और संगीत, ठीक। संगीत चाहे आप ऐसे ही प्ले कर सकते हैं, पर ऐसे थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा, तीन नोट लेके, ठीक है। किसी भी गाने को प्ले करने की जो सबसे खास चीज होती है वो होती है टाइमिंग, ठीक है। सबसे खास चीज टाइमिंग, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स मालूम हो, आपको बजाना भी आता हो, मगर सामने वाले के दिल पे अगर नहीं टच कर रहा है, सामने वाले के दिल से नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो है टाइमिंग। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, आप गाने को जब भी सुने अपने जहन में उस लाइन को इस तरीके से बैठा लें, दिल से सुने, तो लाइन जो है ऑटोमेटिक आपके जहन में बस जाएगी, बस दिल से सुने। जब दिल से सुनेंगे तो उसकी जो टाइमिंग है, जो उसका हिसाब किताब है उस लाइन का, ठीक है, कहां पर उतार है, कहां पर चढ़ाव है, कितना गैप है, तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी ना,
तो उसी हिसाब से वही उसी हिसाब से माइंड जो है आपका वो आपकी उंगलियों को चलाएगा। ठीक है, ये चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीन पर जो नोट्स हैं उनको ध्यान से देखिए, कौन से शब्द के नीचे कौन सा नोट्स लगा है उसको देखिए, ठीक है, उसको अप्लाई कीजिए। और ख़ास बात कि गाने को बहुत ध्यान से सुनिए, दिल से सुनिए। कहने का मतलब है कुछ भी आप सुनते हैं, कुछ भी करते हैं तो दिल से करते हैं, उसी प्रकार से जो गाना भी आप सुनेंगे जिसको आप प्ले करना चाहते हैं या आपने पहले से सुना हो तो एक बार उस गाने को आप फिर से सुने, प्ले करने से पहले फिर से सुने और बिल्कुल दिल से सुने। ठीक है, खो जाएं उस गाने में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको प्ले करने में बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है, मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन की उम्मीद। तो इस लाइन को हम शुरू करेंगे मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प यहां से। ठीक है, तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से प्ले करना है। अब इसको स्लो देख लेते हैं। पहले देखिए, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मे रा आ। ठीक है, आ की मात्रा यहां पर आएगी एफ नोट पर। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद सब कुछ, सब कुछ। ठीक, इसके बाद तेरी, डी शार्प एफ। ठीक, अब इसके बाद देन, अब है। ठीक, फिर से देखिए सिंगल फिंगर से, मेरा सब कुछ तेरी देन है, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद सब कुछ, अब इसके बाद तेरी, अब देन, अब है। ठीक, अब इसके बाद मेरे मन के बीत। ठीक, मेरे मन के मीत, मेरे मन के मीत। ठीक है, एक बार पूरी लाइन सिंगल फिंगर से, मेरा सब कुछ तेरी देन है मेरे मन के मीत। ठीक है, अब इसके बाद लाइन है, मैं हूं एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है। ठीक, तो इस लाइन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये वही लाइन है जो हमने शुरुआत में सीखी थी। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे जब मैंने प्ले करी थी, फिर भी आप एक बार इसको स्लो देख लीजिए। मैं हूं एक तस्वीर, मैं हूं एक तस्वीर, और इसके बाद तू मेरा रूप रंग है, तू मेरा रूप, रूप के लिए तीन नोट रूप, इसके बाद रंग और है, और उसके बाद नीचे की तरफ हम नोट्स लगाते चले जाएंगे। जैसे पहले मैंने बताया था आपको, है जो है उसको हम जब प्ले करेंगे तो उसको लंबा नीचे तक खींचते हुए ले जाएंगे। ठीक है, ठीक, और जैसे खत्म होगा फिर से वही लाइन शुरू। ठीक, तो अब आपको वही सारी लाइनें रिपीट करते जानी है, सारा वो जो शुरू वाला जो पार्ट है वो सब आपको रिपीट करता जाना है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।